थर्ड नंबर पे जो स्टेप है हमारा दैट इज रिक्वेस्ट। तो अब हम इस एग्जाम्पल को जेहन में रखते हुए डीएचसीपी के प्रोसेस को समझते हैं। तो डीएचसीपी स्कोप मींस डीएचसीपी की आईपी की रेंज मींस मैंने सबनेट्स बना लिए हैं। अब उस सबनेट के अंदर जो यूजेबल आईपी की रेंज है उस रेंज में से भी अगर मैं चाहता हूं कि मैंने जी 10 आईपी जो हैं वो मैंने अपने पास रखने हैं, मैंने किसी को स्टैटिकली देने हैं, लेट सपोज स्टैटिक राउटिंग में इस्तेमाल होते हैं या सर्वर की जो नॉर्मली आईपीज हैं उनको हम स्टैटिकली असाइन करते हैं, वो मैंने क्या करने हैं स्टैटिकली आईपी मैंने असाइन करने हैं। मैं 10 आईपी अपने पास रख लेता हूं अपने सबनेट में से यूजेबल आईपी में से, जो बाकी रेंज बचेगी मैं कहता हूं कि इसको मैं डीएचसीपी की स्कोप बना देता हूं। तो आप डीएचसीपी सर्वर को जाके बताएंगे कि ये आपकी स्कोप है, दिस इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस जो कि अब आप यूज कर सकते हैं होस्ट डिवाइसेस को आईपी असाइनमेंट के लिए। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं डीएचसीपी डिस्कवर, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक डीएचसीपी क्लाइंट यानी कि एक स्टूडेंट है जो क्लास में एंटर हुआ है या लैन के ऊपर ये डिवाइस जो है वो ऑन हुई है, मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया है। जैसे ही लैपटॉप ऑन हुआ तो इसने देखा कि मैं एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हूं। कनेक्शन से मतलब ये है कि ये देखें स्विच के साथ ये केबल प्लग्ड इन है, यानी कि उसकी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो एक्टिव है, उसके अंदर एक केबल जो है वो प्लग इन है। या लेट सपोज आप अपना वाईफाई ऑन करते हैं तो आप अपने SSID से कनेक्ट होते हैं, जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसके बाद जस्ट फ्यू सेकंड्स लगते हैं आप वाईफाई से कनेक्ट हुए, फ्यू सेकंड का ये प्रोसेस होता है DHCP का कि आप कनेक्ट तो हुए हैं अपने वाईफाई राउटर से बट यू डोंट हैव आईपी एड्रेस टू गो ओवर द इंटरनेट। तो ये जो डिवाइस है ये एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर देगी अपने नेटवर्क के ऊपर, और जो ये आईपी यूज करेगी ब्रॉडकास्ट का वो आईपी 255.255.255.255 होगा, ना कि अपने होस्ट का ब्रॉडकास्ट आईपी। एक ब्रॉडकास्ट आईपी होता है जो विद इन अ नेटवर्क यूज किया जाता है, जो मैंने आपको जब सबनेट्स पढ़ाए थे तो एक नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट आईडी पढ़ाई थी। इस ब्रॉडकास्ट आईपी और उस ब्रॉडकास्ट आईपी में फर्क है। जो ये वाला ब्रॉडकास्ट आईपी है 255.255, ये ब्रॉडकास्ट आईपी आपके अगर गेटवे के पास रिक्वेस्ट जाती है और वो राउटर इसको रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं है, लेट सपोज आपका डीएचसीपी सर्वर आपने दूसरे नेटवर्क में लगाया हुआ है, सबनेट नंबर 2 के अंदर वो पड़ा है और आप सबनेट 1 से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो जो राउटर है उसका काम है कि आपकी इस रिक्वेस्ट को प्रोसीड करवाए और उस डीएचसीपी तक आपकी बात पहुंचाए। इसके लिए जो हम ब्रॉडकास्ट आईपी यूज करते हैं वो 255.255.255.255, यानी कि तमाम ऑक्टेट्स की वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। जैसा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजनी है, इस क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजनी है जिसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट, डेस्टिनेशन मैक भी ब्रॉडकास्ट बिकॉज उसको डीएचसीपी सर्वर का आईपी नहीं पता, सोर्स आईपी उसके पास नहीं है तो वो ये लिखेगा। या इसकी जगह पे मैंने आपको अपीपा पढ़ाया था जिसकी रेंज होती है 169.254.0.0/16, अपीपा की रेंज का आईपी इसके पास होगा और इसके पास अपना मैक एड्रेस मौजूद है तो ये सोर्स मैक एड्रेस लिखेगा। और इस मकसद क्या है इस डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज का, ट्राई टू फाइंड आउट अ डीएचसीपी सर्वर।
ठीक हो गया। अब जो रिक्वेस्ट जाती है डीएचसीपी सर्वर के पास, वो उसको एक डीएचसीपी ऑफर मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? आईपी एड्रेस, ये आप आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं, उसका सबनेट मास्क ये होगा, डिफॉल्ट गेटवे आपका ये होगा, ये भी सर्वर देगा आपको। लीज टाइम के कितनी देर के लिए आपको ये आईपी मिल रहा है, और डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, ताकि आप जो डोमेन का नाम लिखें अगर ब्राउजर में तो आपका जो नाम है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, इस केस में अब बिकॉज इस सर्वर ने अब इस तरफ को मैसेज भेजना है, तो इसके लिए डेस्टिनेशन क्या बनेगी? क्लाइंट साइड। उसका आईपी क्या है? बिकॉज उसके पास आईपी था ही नहीं, उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, वो उसके पास था जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी। स्टेप नंबर थ्री है डीएचसीपी रिक्वेस्ट, यानी कि अब क्लाइंट के पास ऑफर आ चुकी है, ये उस ऑफर के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है मुझे आपकी जो ऑफर है वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, हो सकता है आपने इस मशीन को मैनुअल आईपी दे दिया हो, या मल्टी सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर्स लगाए जाते हैं, जिस जो मैंने आपको एनी कास्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सर्वर नजदीक हो वहां से उसको रिप्लाई मिल जाए। तो ग्रुप ऑफ सर्वर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको एक से ज्यादा ऑफर्स आती हैं, अब एनी कास्ट का कॉन्सेप्ट IPv6 के अंदर है, IPv4 के अंदर क्योंकि एनी कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डिफरेंट अगर ऑफर्स आपकी आई हैं तो आप किसी एक ऑफर को रिक्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये देखें, वे टू इन्फॉर्म अदर DHCP सर्वर्स, अगेन ये एक ब्रॉडकास्ट जाएगी, और ये देखें ब्रॉडकास्ट जा रही है और ये उन सर्वर तक भी पहुंच जाएगी कि ये बंदा अब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके हैं और ये अब उस ऑफर की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जिस सर्वर ने वो ऑफर की थी सिर्फ वही एक्नॉलेज करेगा, बाकी जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इस होस्ट को जो है ये ऑफर जो है इस होस्ट ने एक्सेप्ट कर लिए। लास्ट इज एक्नॉलेजमेंट, वो सर्वर जिसने ऑफर की थी वही सर्वर अब उसको एक्नॉलेजमेंट कर रहा है कि डन, और अगेन किस आईपी पे कर रहा है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, तो इसको अगर समराइज किया जाए तो बेसिकली डोरा प्रोसेस एक 4-स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर ये देखें फर्स्ट स्टेप में डीएचसीपी डिस्कवर, सेकंड में ऑफर होती है, थर्ड में जो ऑफर उस होस्ट मशीन की तरफ से एक्सेप्ट होगी उसकी वो रिक्वेस्ट करेगा, और लास्ट में वो एक्नॉलेज कर देगा। थर्ड नंबर पे जो स्टेप है हमारा, दैट इज रिक्वेस्ट, यानी कि अगर मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूँ डोरा प्रोसेस, ये बेसिकली थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है, यानी कि डी से हमने पढ़ लिया डिस्कवर, ओ से हमने पढ़ लिया ऑफर, आर से अब हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट, और लास्ट वाले के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज रिक्वेस्ट। तो DHCP रिक्वेस्ट बेसिकली क्या है? DHCP रिक्वेस्ट, जब DHCP सर्वर की तरफ से क्लाइंट को एक ऑफर मिलती है, इसने उसके ऊपर रिक्वेस्ट करनी होती है कि मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्टेबल भी है या नहीं। अब ये सिनेरियो कब हो सकता है कि आपको इस स्टेप की जरूरत क्यों पेश आई? मल्टी सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ बहुत ज्यादा सर्वर वर्क कर रहे हो, वहां पे आपको एक से ज्यादा रिक्वेस्टें भी आ सकती हैं, बिकॉज आपने जो डिस्कवरी की थी उस डिस्कवरी हो सकता है एक से ज्यादा सर्वर के पास चली गई हो। तो अब हर सर्वर ने क्योंकि रिस्पॉन्ड करने कि इस मशीन को आईपी मिलना चाहिए, जब उसको वो आईपी देंगे तो आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाएंगी, ऑफर्स के अंदर मल्टीपल ऑफर्स आ जाएंगी,
तो अब आपने किसी एक ऑफर को एक्सेप्ट करना है, ये तो नहीं कर सकते कि आप सारी ऑफर्स एक्सेप्ट कर लें, तो आपकी मशीन को फिर आईपी कौन सा मिलेगा? एक वक्त में एक मशीन को एक ही आईपी मिलता है। तो इस केस में अब क्या होगा, ये जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो बेसिकली अगेन ये क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट, ये अब उस ऑफर का रिप्लाई कर रहा है, यानी कि उस ऑफर को साथ रख रहा है और साथ सबको बताने लगा है, ब्रॉडकास्ट भेज रहा है अगेन, ताकि सारे सर्वर तक ये बात पहुंच जाए कि मैं ये वाली ऑफर एक्सेप्ट करने लगा हूं, मैंने आप सबकी रिजेक्ट कर दी ऑफर, मैंने सिर्फ ये वाला जो ऑफर आई थी इसको एक्सेप्ट किया। तो अगेन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट, सोर्स आईपी स्टिल वही जो डिस्कवरी मैसेज का था, ये एड्रेस ही सारे वही यूज कर रहा है जो डिस्कवरी मैसेज में उसने यूज किए, और ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है, वे टू इन्फॉर्म अदर डीएचसीपी सर्वर्स, ठीक है, इसका बेसिकली पर्पस ये है। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास, लास्ट स्टेप है लास्ट स्टेप हमारे पास है एक्नॉलेजमेंट। दौरा के अंदर दोबारा देख लें, डी स्टैंड फॉर डिस्कवरी, ओ स्टैंड फॉर ऑफर, आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट और ए स्टैंड फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट के बाद, एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज के अंदर आपका जो सर्वर है वो एक्नॉलेज कर रहा है जिस ऑफर के ऊपर आपने एक्सेप्टेंस दी कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट है, आप मेरे नाम पे इस आईपी को बुक कर दें, तो उन्होंने उसके ऊपर उसको उसको उसके नाम पे उस आईपी को उसने बुक कर दिया, ठीक हो गया। तो इसी तरह क्या हुआ, बेसिकली फर्स्ट स्टेप के अंदर डिस्कवर हुआ, सेकंड में सर, ये ऑफर स्टेप हुई, दोबारा रिपीट कर थर्ड में दें। रिक्वेस्ट हुई और लास्ट स्टेप में हो गया एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में सर्वर ने क्या किया है, एक्नॉलेज किया कि ठीक है आपने जिस ऑफर पे कहा है कि ये मुझे ऑफर मंजूर है, मैं उसके ऊपर आपको बाउंड करने लगा हूँ, उसने उसके नाम पे बुकिंग कर दी है, ठीक है। तो अगेन अब ये जो सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है वो अगेन ब्रॉडकास्ट भेज रहा है, ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द क्लाइंट।